피부 대고 이렇게 나오거든요. 플리즈. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको दिखाते हैं जी किस तरह हम जो है ना सीन जो है वो शूट करते हैं। ये आपको सेल्फी स्टिक पे लगा हुआ है फोन नजर आ रहा है, बड़ी फनी से स्टाइल में हमने इसको पता नहीं क्या क्या यूज करके बांधा हुआ है। और यहाँ पे एक और कैमरा लगाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने इस तरह जो है वो ग्रॉसरी ऊपर नीचे कर रही है उसके लिए यूज कर रही हूँ मैं। रात को जब एडिटिंग करती हूँ तो एक अदर कैमरा होता है, तीन चार फोन होते हैं मेरे पास, छोटी छोटी सी फुटेज इधर से उधर होती है और सबको इकट्ठा करके जस्ट पुट देम टुगेदर। शूटिंग बच्चों के साथ कोई भी चीज़ जो है वो आसान तो नहीं होती, जाहिर है जब को रिकॉर्ड करती हूँ तो हर वक्त कैमरा पकड़ना, उसको जाके लाना, फिर उसको वापस रखना, बच्चों की पहुंच से दूर भी पॉसिबल नहीं होता। कभी फ़ोन से कर लेती हूँ, कभी असद के फ़ोन से कर लेती हूँ, कभी एक और फ़ोन है उसका कैमरा बहुत अच्छा है उससे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर सारे सीन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं जी। दिस द ओनली वे आई रिकॉर्ड इट एंड एडिट इट। ये है असद, असद ने मांगा था मुझे गाजर का हलवा। इनको कहा था कि मुझे जो है गाजर वो शॉर्ट आउट करके दो क्योंकि मैं नहीं छीन सकती, तो वो गाजर छीने बैठे हैं, पास उनके दो दस बच्चे बैठे हुए हैं और असद ने इधर मैंने असद को कैमरा लगाया हुआ है, पता नहीं किस किस चीज़ के साथ हमने इसको बांधा हुआ है क्योंकि मुझे एक टाइम लैप्स फुटेज चाहिए थी इसकी। एक मेमोरी है कि असद ने मेरे साथ गाजर का हलवा बनाया था, बहुत मजे का बनना है इतना मीठा, क्योंकि जब मेहनत की हो ना तो मिठास ज्यादा हो जाती है, ट्रस्ट मी। ये जो छोटे वाला ना हर दो मिनट बाद गाजर डालना, प्लीज इधर इस और इस तरह ने ग्रॉसरी ऊपर सॉर्ट आउट किया है और इधर एक कैमरा जो है इस तरह चल रही है, हमारा शूटिंग मोड इस तरह इज डन। बंद कर दूं तो कैमरे के आगे तो तूने ढेर लगाया हुआ है। अच्छा अब बताओ सब, किस किस बच्चे को लेके जाऊं? एक ले जाओ। आपने आना है मामा के साथ टेस्ट को? चलो आ जाओ मेरे बेटा, जल्दी जूते पहने, ये गाजर हलवा हमारा इन प्रोग्रेस है। चली जाऊं? मैं जो उन्हें लेके जा रही हूँ, लेने जा रही हूँ, क्या नीडल लेके आऊँ और ग्रेटर लेके आऊँ क्योंकि काम वैसे खत्म नहीं होना गाजरें अभी भी बहुत ज्यादा है। यू कैन गो एंड देन आई कैन ग्रेट इट। ओके मैं आ रही हूँ। बच्चों को टीवी लगाते दे के मैं टेस्को गई थी, मुझे ये था कि मैं एक एक्स्ट्रा ग्रेटर ले लेती हूँ, उनकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ और उसके साथ साथ मुझे ये नीडो चाहिए था जो मैंने हलवे के अंदर इस्तेमाल करना था। इस तरह से जी हमारा हलवा थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए आपके साथ शेयर किया है। ग्रेटर तो मिल गया था लेकिन मेरे आने तक मैन विद द बाइसेप सारी गाजरें उन्होंने डन करके रख दी हुई थी। ये इंग्रेडिएंट हैं जी हमारे पास, लाची के थोड़े से बीज हैं जो मैंने निकाल लिए, लाची पाउडर नहीं था मेरे पास, एक कप जो मैंने चीनी ली है, मक्खन की जो चक्की थी उसमें से आधी जो है ना उसकी टिक्की मैंने यूज़ की है, ये हमारी गाजरें हैं जी, ये चार किलो कद्दूकश की गाजरें थी जिसके अंदर मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला जी, ये तो पानी के बगैर ही जान नहीं छूट रही थी, तो पानी डाल के तो सारा दिन ही पकती रहती, मैंने इनको गाजरों के पानी के अंदर ही पकने दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते। ये जी लाची के बीज थे, किसी को मैंने इस तरह भी देखा था कि अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसके बीजों को ना थोड़ा सा तोड़ से लें, उसको थोड़ा सा मतलब छुरी से किसी हैवी चीज़ से जैसे हम खोल लेते हैं ना बीजों को उस तरह कर लें। मेरे लिए इसकी खुशबू तो अच्छी थी, जो मकसद था वो पूरा हो गया था, लेकिन एक हिसाब से मेरे लिए बेहतर ये नहीं हुआ क्योंकि असद को ये दांतों के नीचे आ रहे थे ज़्यादा, तो उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था इसके बीजों को तोड़ने का आइडिया। लेकिन मैंने क्या किया था कि इलायची के बीज निकाल के सारे उस छोटे से बैग के अंदर डाल के ना, तो जिस तरह डंडे के साथ कूट देते हैं ना वैसे मैंने हल्का सा उसको कूट दिया था ताकि उसके अंदर से फ्लेवर जो है वो बाहर निकल आए। हलवे के अंदर काफ़ी सारी इलायची पाउडर डलता है, इलायची पाउडर जो है वो मैं खरीद नहीं सकी थी, मैंने अपनी इलायची यूज़ कर ली थी। ये नीडो वाला जो तरीका करा है ये मेरी सिस्टर का है जी, उसको पता कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत कम है खाने पकाने के मामले में, लंबे चौड़े बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और लंबा चौड़ा टाइम जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसने मुझे कहा था कि बजाय ये कि तुम दूध गाजरों के अंदर डाल के सारा दिन उन्हें पकने दो, उसको पका के एंड पे उसके अंदर नीडो डाल लेना। साउंड ही बड़ी अच्छी लगी थी मुझे क्योंकि नीडो का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है और दूध की जो कमी है वो गाजरों के अंदर पूरी हो जाएगी। जिस बर्तन के अंदर मैंने गाजरें रखी हुई थी वो बर्तन बहुत छोटा था, गाजरें अगर थोड़ी श्रिंक भी हो जाती तो भी उसके अंदर हलानी मुश्किल थी, तो मैंने इसको ना थोड़े से चौड़े बड़े बर्तन के अंदर डाल लिया था ताकि मेरे पकाने में ईजी हो जाए। और दूसरा जो छोटा मैंने पैन रखा है वो जी मेरे लिए है, इतना सारा बटर जो है वो मैं अपने हलवे में नहीं डालना चाह रही थी, मैंने अपने लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था और थोड़ी सी चीनी डाली थी, मेरा हलवा अलग से था। तो
गाजरों के अंदर पानी थोड़ा सा भी कम हुआ था ना, तो मैंने उसके अंदर जो है चीनी डाल दी थी। चीनी जो कप मैंने आपको दिखाया है उसका तकरीबन आधा कप यूज किया था मैंने, आधे से भी कम यूज किया था फॉर बोथ पैन्स, क्योंकि गाजरें जो है डिपेंड करता है गाजरें कितनी ज्यादा मीठी हैं। गाजरें ये बहुत मीठी थी, कलर इनका बसूरा था लेकिन मीठी बहुत थी ये, तो चीनी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जितनी चीनी मैंने आपको दिखाई थी कप, वो मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर भी डाल दिया। अभी भी गाजरों में बहुत सारा पानी था जनाब, गाजरों का पानी ड्राई करते हुए एक सदी गुजर जाती है, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करी थी मैं, लेकिन असद ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी और फिर उन्होंने इतनी मेरी हेल्प भी की थी तो मैं ना नहीं कर सकती थी। ये जी इलायची दाना डाल रहे हैं, इधर इधर बाहर, अभी अभी बाहर, ये बड़ा पता तेनू, हंसी दिखाओ मुझे आगे से, क्यों जा रही हो तो बिजली के बोर्ड की तरफ। गाजर ही आज ये छोटा गाजर है ना, ये जी गाजरें हमारी ड्राई हो गई हैं, कोई पानी कोई दूध नहीं डाला था मैंने, सिर्फ गाजरों के अपने ही पानी में वो पकी हैं। फिर भी इसमें बहुत सारा टाइम लगा था, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मुझे घंटों की पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस दौरान मैंने बर्तन धोए थे, चारों बच्चे नहलाए थे, उन्हें खाना भी खिला लिया था, घर भी साफ कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गाजरें जी मेरी तरफ ही देख रही थी, अभी गली नहीं हुई थी और पानी भी नहीं खत्म हुआ था। ये था जी वो कप जो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया था, इसमें से सिर्फ आधा कप चीनी जो है वो मैंने इस्तेमाल किया, आधा वही था क्योंकि वो इनफ मीठा हो गया था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना चाह रही थी मैं। अब टाइम आ गया था जी सूखे दूध का, क्योंकि बिल्कुल एंड पे हलवा पहुंच गया, ये लाइफ सेविंग हैक था जो उसने मुझे बताया था, वरना मैं इसको टिपिकल स्टाइल में अगर पकाती तो ये कभी भी हॉट प्लेट पे मुझसे नहीं पकता, नॉर्मल चूल्हे पे पक जाता होगा जी, जो लोग गैस का चूल्हा यूज़ करते हैं, लेकिन हॉट प्लेट की हीट इवन नहीं होती, उस पर नहीं पकता ये। नीडो बिल्कुल लास्ट पे डाला था मैंने, उसको पकाना नहीं है ऐसा ही बोला था उसने, बिल्कुल मिक्स ही करना है लास्ट पे, तो मैंने चूल्हा बंद करके उसके अंदर नीडो डाला है। 400 ग्राम्स का जो बॉक्स था वो 4 किलो गाजरों में मैंने यूज़ किया था, जो मैंने आधा डब्बा यूज़ किया, तो इसका मतलब है कि 4 किलो गाजरों के अंदर 200 ग्राम जो है वो खुश्क दूध मैंने डाला है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ये था जी हमारे गाजर का हलवा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा नीडो के साथ और मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि कैसा बना था। हलवा बनने के दौरान, गाजरों के ड्राई होने के दौरान बच्चों को मैंने नहला भी इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे उसको ख़त्म करते करते बहुत ज़्यादा देर हो जानी है, और बच्चे एक बार जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना फॉर एनी रीज़न, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को काबू करना, या अगर उनको नींद बहुत ज़्यादा आ जाए या बहुत ज़्यादा भूख लग जाए, तो मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। जितनी देर गाजरों का हलवा बनता रहा है उतनी देर मैंने उन सबको खाना खिला रही था। खाना खिलाने के बाद जनाब इनका बाथ टाइम होता है, इन चारों को मैंने बाथ दिया था, कपड़े चेंज हो गए थे। नॉर्मली ये टीवी जो है वो लिविंग रूम में ही देखते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारा गाजरों का गंद पड़ा हुआ था और वैसे भी थोड़ा सा काम समेटने वाला था, तो मैंने इनको कमरे में भेज दिया था क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो वापस आ गए थे। फ़ोन पर थोड़ी सी गेम खेल रहे थे और गेम खेलने के बाद उन्होंने अपने बाबा के साथ थोड़ा सा स्टोरी टाइम किया था। बच्चों का स्लीपिंग अरेंजमेंट जो है वो अभी भी अपसाइड डाउन है, क्योंकि हर चीज़ ही अपसाइड डाउन है जी, जब स्कूल ही नहीं है तो कुछ बच्चे जो हैं रात को सोने में उन्हें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। अगर तो 11 बजे तक सो जाए फिर तो ठीक है, वरना हम क्या करते हैं कि ना सोने वाली जो पार्टी है ना उनको एक कमरे में कर दिया हुआ है, छोटे वाले कमरे में, वहाँ पे आप सोएं या आप जितने मर्जी तमाशे करें, तो हम तीनों जो है ना जिन्होंने रिलैक्स करना होता है, छोटा बच्चा और हम दोनों, हम इस बेड पर सो जाते हैं। और ये तीनों बच्चे कब सोते हैं कब नहीं सोते ये इनकी मर्जी है जी, स्टोरी टाइम करना हमारा फ़र्ज है वो हम कर देते हैं, उसके बाद ये बाथरूम में जा रहे होते हैं बाहर, फिर भूल लेते हैं, कभी कभी तो डांट के सुला देते हैं, लेकिन कभी कभी मैं इनको छोड़ देती हूँ। अब स्कूल नहीं है, टायर्डनेस नहीं है, कसूर इनका भी नहीं है, तो उनको नींद भी नहीं आती है, सुबह भी वो लोग लेट ही उठते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है जी। ये था हमारा बेड टाइम जो आपको थोड़ा सा हमने दिखा दिया है, चारों के चारों बच्चे जो है ना माशाल्लाह से मेरे बेड में बैठ के इस टाइम जो है गेम इंजॉय कर रहे हैं, और उनके बाबा ने उनकी एक दो छोटी सी फोटो बनाई है। ये हमारा आज का व्लॉग था और ये था हमारा आज का हलवा प्रोसेस जो चल रहा था, स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटिंग टू मेकिंग हलवा। इतना फरमाइश करने के बावजूद भी सत्या कुडन मेकअप माई माइंड कि मैं हलवा एक्चुअली बना सकूंगी, लेकिन आज जो है ये जॉब भी डन हो गई है, हेल्प करवाई थी उन्होंने तो हो गई है, मुझसे अकेले तो ग्रेड भी नहीं होनी थी। मशीन मेरे पास नहीं है, हाथ से ही उन्होंने ग्रेड करके दी थी, मैंने हलवा पका लिया जी। ये था हमारा आज का व्लॉग और ये था हमारा हलवा जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।